हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ गाजर और नारियल बूरा के लड्डू। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ की गाजर ली है। ये वज़न में 500 ग्राम है। साथ में ही लिया है 1 कटोरी ताजी मलाई, 1 कटोरी शक्कर और 150 ग्राम नारियल का बारीक वाला बूरा। आप शक्कर कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम गाजर को थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे और ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा निकाल देंगे और फिर गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। कढ़ाई को मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब हम इसके अंदर गाजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी गाजर इस तरह से डाल ली है, साथ में ही मलाई भी डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मलाई डाली है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर घी नहीं डाल रही हूँ। अभी हम इसे मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक अभी नहीं पकाना है। मलाई डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक अभी मिक्स करते रहेंगे और पकाएंगे। एक मिनट के बाद ही हम देखेंगे, ये गाजर में काफ़ी सारा पानी है और मलाई से भी दूध और घी इस तरह से अलग होने लगा है। तो अभी हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। 4 मिनट के बाद ही गाजर का सारा पानी देखिए इस तरह से सूख गया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी शक्कर। शक्कर मैं यहाँ पर 1 कटोरी डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हैं। अगर कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो शक्कर कम भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसे हाई फ्लेम पर ही पका रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक मिनट के बाद ही हम देखेंगे कि शक्कर अच्छे से पिघल गई है। तो अभी हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। पाँच से छः मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है इस तरह से और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और अभी हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। हमें यहाँ पर इस मिश्रण को सिर्फ गाढ़ा होने तक ही पकाना है। अगर और ज़्यादा इसे पकाया गया तो इसका कलर थोड़ा सा काला हो सकता है। तो अभी हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नारियल का बूरा अलग से निकाल रही हूँ। गाजर अच्छे से ठंडी हो गई है तो मैं इसके अंदर नारियल का बूरा डाल लेती हूँ और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजर के मिश्रण में नारियल का बूरा बहुत अच्छे से मिल गया है। तो अब मैं इसके बिल्कुल छोटे साइज़ के लड्डू बना लेती हूँ इस तरह से। लड्डू बनाकर इस तरह से मैं इन्हें नारियल के बूरा में रख दूँगी। सारे लड्डू हमें इसी तरह से बनाने हैं। लड्डुओं के ऊपर इस तरह से नारियल का बूरा हल्का हल्का सा लपेट लेंगे। बहुत ज़्यादा बूरा नहीं लगाना है, सिर्फ इस तरह से हल्के से लगाना है। यहाँ पर सारे लड्डुओं पर इस तरह से मैंने नारियल का बूरा लगा लिया है। यहाँ पर मेरे पास इस तरह से कुछ बटर पेपर वाली कटोरियाँ हैं तो मैंने उन्हें इस तरह से रख लिया है और अब इनमें हम एक एक लड्डू इस तरह से रखेंगे। लड्डू बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब इनके ऊपर से हम लगाएंगे थोड़ी सी चॉकलेट इस तरह से, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और इनका स्वाद भी बढ़ जाएगा। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।